हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों को जवान मूवी के एक्चुअल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक कितना हुआ है, फिर कुछ लेटेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज का भरमार आप लोगों को आज के वीडियो में मिलेगा। वैसे जवान मूवी ऑन 10th डे पूरे वर्ल्ड वाइड 51.64 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिर जवान मूवी का इंडिया में नेट कलेक्शन निकल के हमारे सामने आ रहा है 440.78 करोड़। फिर जवान मूवी का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 530 करोड़, 10 लाख रुपए। फिर ओवरसीज मार्केट में इसका कलेक्शन हुआ है 270 करोड़ रुपए। और सब कुछ जोड़े तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकल के हमारे आंखों के सामने आ रहा है 800 करोड़, 10 लाख रुपए। ऐसे बहुत कम इंडियन मूवी है जो 10 दिन के बाद भी इतनी कमाई करने में सक्षम है। ऐसा चमत्कार सिर्फ शाहरुख खान जी की मूवी ही कर सकते हैं। वैसे दोस्तों कल मंडे है और जवान मूवी का 12वीं दिन है। सो अब तक जवान मूवी का एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ है ओनली 1.21 करोड़ रुपए और टोटल टिकट सोल्ड आउट हुए 65,049। सो सुबह तक 12वीं दिन का एडवांस बुकिंग कलेक्शन मे बी गो अप टू 3 करोड़ रुपीज। और कल तक 11 डे का एक्चुअल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमारे नजरों के सामने आ जाएगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 11 डे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10th डे से ज्यादा होगा, क्योंकि 10th डे में जवान मूवी का एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ था 10 करोड़, जिसकी वजह से जवान मूवी का 10th डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमारे नजरों के सामने है 51.64 करोड़ रुपए। दोस्तों इस हिसाब से जवान मूवी का एडवांस बुकिंग कलेक्शन ऑन 11th डे हुआ है अप्रोक्सली 13 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से आप लोग हिसाब लगा लो कि 11 डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा। वैसे दोस्तों जवान मूवी का अब तक बॉम्बास्टिक कलेक्शन रिपोर्ट्स आते जा रहे हैं और इस बीच जवान मूवी का OTT के ऊपर भी हमारे हाथ एक और न्यूज लगे हैं। जवान मूवी के डायरेक्टर मिस्टर अटली कुमार खुद बोल रहे हैं कि जवान मूवी के रिलीज के बाद वो किसी भी हॉलीडे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जवान मूवी का OTT। फिर अटली साहब बोल रहे हैं कि जवान मूवी के OTT वर्जन में वो कुछ ऐसे सीन्स और कट्स डालने वाले हैं जो फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज बनने वाला है। फिर अटली साहब ये कंफर्म किए हैं कि जवान मूवी का सीक्वल भी वही डायरेक्ट करेंगे, इसीलिए जवान मूवी का एंडिंग को खुला छोड़ा गया है। वैसे अभी जवान का सीक्वल राइटिंग स्टेज में है, जो एक्चुअल स्टेज में आते आते शायद 4 साल लग जाएं। और जवान मूवी का OTT दिवाली में रिलीज हो सकता है। वैसे हाउसफुल 5, वेलकम 3, हेरा फेरी 3 के बाद अभी अक्षय कुमार जी के लिस्ट में एक और सीक्वल है जिसका नाम है बागम भाग। वैसे आप लोगों को तो याद ही होगा साल 2006 में जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा एंड परेश रावल जी नजर आए थे, जो काफी मजेदार मूवी है जिसको डायरेक्शन दिए थे प्रियदर्शन जी। वैसे बागम भाग का यह न्यूज सिर्फ प्लानिंग स्टेज में है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि मूवी का डायरेक्टर कौन होगा इसका भी खुलासा अब तक नहीं हुआ है। वैसे सिंघम 3 का भी एक और अपडेट हमारे हाथ लगा है, वो है सिंघम 3 का ऑफिशियल रिलीज डेट अब बदलकर September 17, 2023 हो चुका। और सिंघम 3 के क्लाइमेक्स में टाइगर श्रॉफ एज ए कॉप नजर आएंगे अलोंग विद अक्षय कुमार। सिंघम 3 का प्रीवियस रिलीज डेट था 15 अगस्त 2024, जिसको बदलना पड़ा क्योंकि 15 अगस्त के दिन पुष्पा भाव आ रहे हैं, यानी पुष्पा 2। वैसे एक और जबरदस्त न्यूज हमारे हाथ लगा है फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अटली कुमार, जिसके मुताबिक वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें कास्ट में नजर आएंगे सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर एंड तारापति विजय। अब फिलहाल ये प्रोजेक्ट डिस्कशन स्टेज में है। दोस्तों जस्ट इमेजिन अगर ये जवान का सीक्वल हुआ तो क्या होगा। दोस्तों जवान 2 में कई जवान दिखेंगे और मूवी का एंटरटेनमेंट लेवल कितना हाई हो जाएगा। और एक जवान से कलेक्शन के मामले में इतना बवाल हो रहा है, जरा सोचो दोस्तों अगर इतने जवान मिल जाए तो क्या होगा कलेक्शन का, काम करना चाहते हैं। और इधर जवान 2 स्क्रिप्ट के ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे ये दो न्यूज आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अच्छा दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।